मुरैना जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष के चलते 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। बता दें कि सिहुनिया थाना क्षेत्र के रेपा गांव में जमीनी विवाद के चलते दो गुटों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत की खबर है। सूचना मिलते ही जिले भर के कई थानों का पुलिस बल रेपा गाँव की ओर रवाना किया गया। ये जो आज की घटना हुई है, इसमें 6 मृत्यु हुई है। इसमें पुराना विवाद है, इनका आपसी रंजिश का विवाद है, जो कि 2013 में प्रारंभ हुआ था। 2013 में घूरे पे कूड़ा डालने की बात को लेकर के ये विवाद प्रारंभ हुआ था, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई थी और 4 आरोपी गण थे उसमें, जो कि गिरफ्तारी हुई थी, बाद में उनकी जमानत हुई। आज जो मृत्यु हुई है, ये उन आरोपी गणों के रिलेटिव्स हैं और ये बताते हैं कि ये उसी समय से ये सब अपने गाँव को छोड़ के, घर को छोड़ के बाहर चल रहे थे। बीच में इन्होंने कुछ दूसरे पक्ष के साथ राजीनामे का प्रयास भी किया था और शायद राजीनामा हो गया ऐसा मान करके आज ये लोग जो हैं वापस अपने घरों पे वापस आए थे, जब दूसरे पक्ष ने, बताते हैं कि, घात लगा करके इन पर हमला किया है। यानी कि एक योजनाबद्ध तरीके से आरोपियों को बुलाया गया और उन पर हमला करके उनकी हत्या कर दी गई, ये माना गया? हाँ, ये इसमें इसी प्रकार का घटनाक्रम रहा है। तो पुलिस ने अभी तक कितने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है? देखिए, इसमें जो प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, इसमें 8 एक्यूज्ड हैं और उनको जो है आइडेंटिफाई करके और उनकी बहुत शीघ्रता से उनकी गिरफ्तारी जो है की जा रही है। इसमें कुछ एक सस्पेक्ट्स को राउंडअप भी किया गया है और हम लोग बहुत ही जल्दी इसमें सारे एक्यूज को गिरफ्तार कर लेंगे। अभी गाँव में क्या स्थिति है, तो लोग बोलते हैं? देखिए, यहाँ पर आसपास के इस सर्किल के सभी थाना प्रभारी, प्रभारी पुलिस अधीक्षक, स्वयं कलेक्टर साहब, SDM, यहाँ पे प्रशासनिक अमला, पुलिस अमला, यहाँ पर सब है। यहाँ पर सुरक्षार्थ जो है वो फोर्स भी तैनात किया गया है। ये जो घटनाक्रम है, ये मतलब दोनों पक्षों के बीच आपसी कुछ विचार विमर्श चल रहा था। ये थाने को या पुलिस को या प्रशासन को इसकी सूचना नहीं दी गई थी कि इस प्रकार से ये लोग आ रहे हैं और ऐसे इनको अंदेशा है। तो इस घटनाक्रम के संदर्भ में ये गंभीर घटनाक्रम हुआ है, बहुत शीघ्रता से सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। गाड़ी में गोली मारने लगे, कोई हमारा भी नहीं था, दुश्मनी पहले की थी दूसरों से, हमसे तो वैसे ही नाम लिखा दिया बिना, तभी जेल में रह के राजीनामा करवा लिया, 10 लाख रुपए ले लिए, मेरा मकान भी लिखा लिया, मैं अपने घर पे नहीं उतरे, दूसरे के घर पे उतरे और बोल रहा हमारा तुम्हारा राजीनामा आप खूब आ, मुझे घटियाई करके मार दिया, मेरे बच्चों को, मेरे पति को, मेरी बहुएं तीनों थी, 6 लोग चले गए, अब हम क्या करेंगे, अब हम कहाँ जाएंगे बोलो, क्या करें, अब हम क्या करें। ये विवाद क्यों हुआ था? अरे विवाद तो वो बहुत पहले का था, वो तो राजीनामा हो गया था, आज तो गाड़ी में से उतरे सोई पता नहीं, बंदूक के लाए बैठे थे, उनका उधर घर है, हम यहाँ पे उतरे तब भी गोली चला चला के बच्चों को मार दिया, क्या करूँ बताओ। ओ भाई, वीर ने क्या पहले पुलिस को सूचना नहीं दी थी कि हम घर जा रहे हैं? नहीं दी थी भाई, नहीं दी, पुलिस वहाँ सोनिया में थी नहीं, 2 घंटे का एक आदमी लड़का बैठा, मेरा पटवारी बैठा, वो पुलिस को गायब कर दिया पहले ही, पुलिस ना मालूम कहाँ चली गई सोनिया की, सोनिया की पुलिस ही नहीं थी उस थाने में, 2 घंटे पुलिस मुड़ा बैठे रहे, जब लड़का हमारे सब गायब हो गया था, फिर पुलिस आई बाद में, 2 घंटे बाद, पुलिस नहीं थी सोनिया में, वो रहता है धनिया है भदौरिया, उसने पुलिस को गायब कर दिया, उन्हीं की रिलेशन का था वो, उसने पुलिस गायब कर दिया, ना मालूम किसने। तो ये जो गजेंद्र सिंह है वो आपके कौन है? हमारे पति थे। तो इस घटना में कौन कौन हताहत हुआ है आपके परिवार में से? अरे मेरा पूरा ही परिवार है, मेरा 6 लड़के थे, 6 बहुए जो सब बैठी है, ये बच्चे बच्ची सब ही थे ना मेरे, तो और क्या। क्या नाम है आपका? कुसुमा। हाँ।